Go Buster! बस्टर के घर पर एक खिली धूप वाला दिन है और बस्टर व दादाजी साथ में खेलते हुए मजा कर रहे हैं। मम्मी बस काम पर गई है, क्या बस्टर और दादाजी साथ मिलकर रात का भोजन बना पाएंगे? ओह, सच में कुछ पकाना है, बस्टर बहुत ही उत्साहित है। आओ पकाएं। दादाजी स्टोव जलाते हैं। पर आगे क्या करना है? बस्टर के पास एक युक्ति है, यहाँ चॉकलेट सॉस है। दादाजी को नहीं लगता कि ये रात के भोजन के लिए सही है। आओ रेसिपी को देखते हैं। उन्होंने सारी सामग्री साथ में रख ली है। बस्टर कटोरे में थोड़ा आटा डालकर चालू करता है। वो आराम से बस्टर। उप्स, आटा सभी ओर बिखर गया। अब दादाजी और बस्टर आटे से सने हैं। बस्टर मिश्रण को अंतिम रूप दे रहा है। ध्यान से, मिश्रण सभी ओर ना बिखरे। अच्छा काम बस्टर। उप्स, दादाजी की टमाटर की चटनी फर्श पर चारों ओर फैल गई है। और स्टोव पर क्या हो रहा है? बर्तन उबल रहा है। ओ देखो, इसने दादाजी के चश्मे पर भाप जमा दी और अब वे देख नहीं पा रहे हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ध्यान से दादाजी। ओ प्रिया, यह बहुत अच्छा नहीं हो रहा। दादाजी और बस्टर सफाई कर रहे हैं पर मम्मी बस काम से घर वापस आ रही है। ओहो, उन्होंने अभी तक रात का भोजन नहीं बनाया, अब वे क्या करेंगे? दादाजी फ्रीजर से कुछ फिश फिंगर्स उठाते हैं। आहा, इससे बस्टर को एक युक्ति सूझी। चॉकलेट सॉस का समय है। मम्मी बस सोच रही है कि बस्टर और दादाजी ने रात के भोजन में क्या बनाया है। जैसे ही वे समाप्त करने वाले हैं, मैं सोच रही हूँ उन्होंने क्या पकाया है। यह फिश फिंगर्स और हरे बीन्स है और चॉकलेट सॉस। क्या तुम्हें यह ठीक लग रहा है बस्टर? वह इसे चखकर देखता है। स्वादिष्ट। मम्मी भी इसे चखकर देखती है और यह तो सचमुच स्वादिष्ट है। बस्टर और उसके मित्र डैडी बस के साथ वन में कैंपिंग करके अच्छा समय बिता रहे हैं। डैडी कुछ डरावनी परछाइयां बना रहे हैं उन्हें एक भूतिया कहानी सुनाते हुए। वो मॉन्स्टर तो बहुत डरावना है। फ्यू, चिंता मत करो जातियो, यह डैडी बस ही है। लगता है सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि सबको। डैडी बस आग के लिए थोड़ी और लकड़ी लाने गए हैं। शुभ रात्रि बस्टर। ठहरो, बस्टर क्या कर रहा है? वह आग की लकड़ी से डरावने सीन बना रहा है। स्काउट गहरी नींद में है। याइक्स, वो क्या है? यह बस्टर की डरावनी परछाई है। बेचारी स्काउट। चिंता मत करो स्काउट, ये तो बस्टर ही था। अब बैंडिट के साथ मजाक करने की बारी है। आहा, डरावनी परछाई ने उसे भी डरा दिया। लगता है बस्टर को नींद आने लगी है। पर बैंडिट और स्काउट के पास एक योजना है। बस्टर शांति से सोया हुआ है पर वहाँ एक डरावना मॉन्स्टर है। एक और भी। गो बस्टर गो। बस्टर के साथ अच्छा हुआ, अच्छा किया साथियों। वो क्या है? ओ नहीं, ये सच में एक डरावना मॉन्स्टर है। फ्यू, यह डैडी बस थे आग के लिए और लकड़ी लाते हुए। बस एक शाम के लिए बहुत डराना हो गया। इस सारे मजाक ने उन्हें बहुत थका दिया है। डैडी बस बस्टर बैंडिट और स्काउट को वन में कैंपिंग यात्रा पर ले जा रहे हैं। कैंप को बनाने का समय है। पहले उनको टेंट लगाने होंगे। डैडी दिखा रहे हैं कैसे करना है। वह टेंट को उड़ने से बचाने के लिए पैक गाड़ रहे हैं। देखो, वे टेंट को पकड़ कर रखते हैं। आह, सब
अब हो गया। जबकि डैडी बस आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, बस्टर और उसके मित्र अपने टेंट लगा रहे हैं। वो क्या था? बैंडिट के पास कुछ मार्शमेलोज़ है, स्वादिष्ट। ओ नहीं, बस्टर ने ध्यान से पैक को नहीं लगाया, टेंट ढीला हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से स्काउट, ओहो यह उड़ा जा रहा है, क्या बस्टर इसे पकड़ पाएगा? स्काउट और बैंडिट सहायता के लिए आते हैं। गो बस्टर, तुम कर सकते हो। आहा, अंत में यह धरती पर गिर गया। ओ प्रिया, फिर से नहीं। डैडी बस ध्यान से, ओप्स, आग के लिए लकड़ी भी उड़ने लगी है। फ्यू, वे ठीक है, अंत में टेंट लगाने का समय है। आओ सुनिश्चित करें कि सारे पैग इस बार ठीक से लगे हैं बस्टर। अच्छा काम। मैं सोच रही हूँ डैडी बस ने आगे क्या योजना बनाई है। वाह, वे मार्शमेलोज़ को भूल रहे हैं। स्वादिष्ट, कितना बढ़िया दिन है। खिली धूप वाला दिन है और डैडी बस बस्टर को बीच की सैर पर ले जा रहे हैं। बस्टर मम्मी बस को विदा कहता है और वे चले। हुर्रे! पर ओ प्रिय, ओटिस उनकी राह रोक रहा है, सड़क बंद है। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर लगता है डैडी के पास एक बिल्ली है। यह एक अच्छी झील है और वे मछली पकड़ने जा सकते हैं। बस्टर उदास है क्योंकि वह बीच पर जाना चाहता था। डैडी उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं। वाह, अब बस्टर की बारी है। बस्टर ऊब गया है, यह उतना मजेदार नहीं है जितना बीच। डैडी इतने उत्साहित क्यों है? ठहरो, कुछ डैडी के कांटे में फंसा है, यह क्या हो सकता है? वो, डैडी ने एक बड़ी मछली पकड़ी है। यह इतनी बड़ी है, डैडी इतने शक्तिशाली नहीं है। बस्टर साथ में लगकर सहायता करता है। ध्यान से बस्टर, ऊप्स, वे पानी में खींच लिए गए हैं। और मछली को यह बहुत मजेदार लग रहा है। बस्टर और डैडी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, लगता है उनके पास नई योजना है। मछली नदी में तैर रही है। डैडी फिर से अपना कांटा डालते हैं और मछली फिर से खींचती है। एक बार फिर से खींचातानी हो रही है। देखो, वो बस्टर है नदी में तैरता हुआ। पकड़ लिया, बस्टर ने अपने जाल से मछली को पकड़ लिया। गो बस्टर, डैडी को बहुत गर्व है। अच्छा किया बस्टर। मछली तैर कर दूर चली जाती है। फिर मिलेंगे फिशी। मछली पकड़ना आखिरकार बहुत मजेदार था। बस्टर अपने घर के बाहर कुछ कीचड़ के पोखरों में स्प्लैश करते हुए मजा कर रहा है। देखो, यह दादा बस है। ऊप्स, अब ये दोनों कीचड़ से सने हैं। पर दादाजी के पास एक योजना है। वे बस्टर को कहाँ ले जा रहे हैं? वे कार वॉश पर आए हैं धुलाई के लिए। हुर्रे! लगता है कार वॉश में बुलबुले समाप्त हो गए हैं। आहा, वो रहा साबुन। दादाजी थोड़ी पानी की धार लेते हैं और बस्टर कार वॉश को चला देता है। गो बस्टर गो। ठहरो, दादा बस, यह तो बहुत अधिक साबुन हो गया। बस्टर साबुन के बुलबुलों में ढक गया है। कितना मजेदार था, अच्छा मजाक था दादाजी। अब दादाजी की बारी है साफ होने की। लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वह अपना बदला ले रहा है। दादाजी साबुन से ढके हैं। वे बहुत ही भोंदू लग रहे हैं। देखो, टेरी ट्रैक्टर धुलाई के लिए आया है।
वो धीरे करो बस्टर। बहुत अधिक साबुन है, बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ओ प्रिय, कैसे साबुन भरी गड़बड़े हैं। ओटिस बहुत कुछ नहीं दिख रहा। सफाई करने का समय है। कितना मूर्खता भरा दिन था। È una bella giornata di sole a casa di Buster. Oh, guarda! Mamma Bass sta aiutando un gattino con una zampina dolorante. Fatto, sistemato e fasciato. Scout è venuta qui per andare a scuola insieme a Buster. Stanno giocando nell'area giochi. Oh cielo! Scout si è fatta male alla ruota! Buster ha un'idea. Cosa sta combinando? Ha fasciato la gomma di Scout con la carta igienica! Tutto risolto! Ottimo lavoro, Buster! Sembra che anche Ash voglia essere bendato! E adesso Scout vuole farsi fasciare l'altra gomma! Ma Buster ha finito il rotolo di carta igienica! Bandito ha un'idea birichina! Tutti prendono un rotolo di carta igienica. Stanno srotolando il rotolo di carta igienica ovunque. Che caos stanno facendo! Si sono lasciati prendere la mano. Oh cielo! Hanno coperto l'intera area giochi con la carta igienica! L'insegnante non sembra molto contenta. Mamma Bass è venuta a prendere Buster. Si chiede cosa abbia turbato l'insegnante. Buster spiega che stava cercando di aiutare Scout come aveva fatto la mamma con il gattino. La mamma può bendare correttamente Scout. È ora di fasciarla come si deve. Buster e Ash samudra tat par chuttiyan bita rahe hain. Mummy Bus aur Mummy Fire Truck barbecue taiyar kar rahi hai. Aur Buster aur Ash ek adbhut reet ka mahal bana rahe hain. वो लहरें सच में आ रही है। जल्दी, रेत का महल नष्ट हो सकता है। ऐश बचाने आ रही है। वो महल को रेत की एक दीवार से बचा रही है। अच्छा विचार है ऐश। ओ देखो, यह इगी आइसक्रीम ट्रक है। हुर्रे! ओ नहीं, ऐश की दीवार लहरों को नहीं रोक पाई। उन्होंने रेत के महल को नष्ट कर दिया। बस्टर बहुत उदास है। और ऐश के पास इसे बचाने के लिए एक युक्ति है। बस्टर बहुत दुखी है सहायता करने के लिए। शायद एक आइसक्रीम उसे खुश कर दे। मैं सोच रही हूँ कि वो कौन सा फ्लेवर चुनेगा। वाह, ये तो एक बहुत बड़ी आइसक्रीम है। वो ध्यान से। ऐश अभी भी रेत के महल को ठीक कर रही है। बस्टर ऐश के लिए भी एक आइसक्रीम ले सकता है, पर वह ऐश से खुश नहीं है क्योंकि उसकी दीवार रेत के महल को बचा नहीं पाई। बस्टर केवल अपने लिए ही आइसक्रीम ले रहा है। वो ऐश ने नए जैसा रेत का महल बना दिया। अब बस्टर को बुरा लग रहा है कि उसने ऐश के लिए एक आइसक्रीम नहीं ली, इसलिए वह ऐश को अपनी दे रहा है। ओ ध्यान रखो, इसे गिराना मत। एक यूनि एक और कोन देता है। अब वो आइसक्रीम को बांट सकते हैं। यम यम, स्वादिष्ट। बस्टर के स्कूल में खेल दिवस है। कितना मजेदार है। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ है। अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। गो गो बस्टर, वो जीत गया। हुर्रे! यह आसान था। बस्टर स्कूल में सबसे तेज है। अगला है ऊंची छलांग। सबसे पहले स्काउट है। स्कूट स्कूट, वाह, बहुत अद्भुत था। बस्टर को लगता है वह उससे भी ऊंचा कूद सकता है। वो चला। उप्स,
चिंता मत करो बस्टर, वह बहुत खुश नहीं दिख रहा। अब अंडा और चम्मच दौड़ है। तैयार हो जाओ और गो। बस्टर सच में जीतना चाहता है। उप्स! बस्टर बहुत तेज जा रहा था और उसने अंडा तोड़ दिया। ओ प्रिय। और एश जीत गई है। बहुत अच्छा एश। बस्टर हार से खींच गया है। वह सच में जीतना चाहता था। वह इतना दुखी है कि औरों के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। वह सच में मजेदार दिख रहा है बस्टर। यह केवल जीतने के बारे में नहीं है बस्टर, यह मजा करने के बारे में है। हुर्रे! अब वे सब साथ में मजा कर रहे हैं। अब तमगे देने का समय है। बस्टर तीसरे नंबर पर है, एश दूसरे और स्काउट प्रथम है। सभी ने अच्छा किया। कितना अद्भुत दिन था। बस्टर, मम्मी बस और एश सॉफ्ट खेल केंद्र पर है। कितना मजेदार है। लगता है बस्टर बड़े बच्चों के क्षेत्र में खेलना चाहता है, पर वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। वाह, यह अद्भुत है। एश बहुत उत्साहित है, पर बस्टर सोचता है कि वह सॉफ्ट खेल खेलने के लिए बहुत बड़ा है। वे बहुत मजा कर रहे हैं। वो जाने देखो, पर बस्टर साथ नहीं जाना चाहता। अब वे ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हैं। यह तो बहुत मजेदार दिख रहा है बस्टर। नहीं, वह अभी भी खेलने नहीं जा रहा। एश किससे दूर भाग रही है। ओह देखो, यह कप्तान मम्मी है। जल्दी भाग जाओ एश। वह गेंद के गड्ढे में छिप गया है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। अब बस्टर भी जाना चाहता है। जल्दी, कप्तान तुम्हें पकड़ लेगा। गो बस्टर। अब बस्टर सच में इसमें लगा हुआ है। ओहो मेरे प्यारो, वो क्या था। आहा, पकड़ लिया। यह पायरेट बस्टर और पायरेट एश है बचाव के लिए। भाग जाओ। उनको जाते देखो। ध्यान से कप्तान मम्मी, पायरेट बस्टर और पायरेट एश ने आज बचा लिया। देखो बस्टर, सॉफ्ट खेल केंद्र अंत में बहुत मजेदार था। बस्टर और उसके मित्र समुद्र तट पर छुट्टी बिता रहे हैं। कितना मजेदार दिन है। वाह, समुद्र अद्भुत लग रहा है। वो क्या है पानी में। यह एक शार्क है। बस्टर बहुत डर गया है। उप्स, ध्यान से एगी। मम्मी बस समुद्र तट पर आराम कर रही है। बस्टर उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्या देखा। उसके डरावने फिन्स थे और पानी से बाहर उछली थी। वह एक शार्क थी। मम्मी बस को कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं बस्टर, सब कुछ ठीक है और मम्मी बस फिर से सोने जा रही है। बस्टर अभी भी बहुत डरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्या शार्क अभी भी वही है। ये एक शार्क है। गो बस्टर गो। ओप्स, फिर से नहीं। बस्टर अभी भी डरा हुआ है, पर वो अपने डर को जीतना चाहता है। वो फिर से जा रहा है। वो रही शार्क। थोड़ा रुको, क्या गड़बड़ है। शार्क का एक दांत सूजा हुआ है और हिल रहा है।
इसीलिए वो पानी से बाहर उछल रही थी। चिंता मत करो शार्क, बस्टर सहायता कर सकता है। वो मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा है। वो जा गई है। उन्होंने अपनी वेट किट निकाली और मम्मी बस बचाव के लिए चली। याम याम। मम्मी बस शार्क का इंतजार निकाल रही है। वो बाहर आ गया। हुर्रे! शार्क को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया बास्टर, वह अपने मित्रों को दांत दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है। के खेल के मैदान में खिली धूप वाला दिन है और बास्टर व स्काउट साथ साथ चित्र बना रहे हैं। ओहो, लगता है उन दोनों को नहीं लग रहे होने चाहिए। बास्टर उसे छीन लेता है और अब स्काउट उसे वापस छीनने में लगी है। इससे बास्टर और बैंडिट को एक मजेदार खेल सूझता है जो वे सभी साथ साथ खेल सकते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग करके इसका नाम है सिपाही और चोर। बस्टर और बैंडिट चोर है और एश व स्काउट सिपाही है। उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए वो चले, पीछा करना चालू हो गया है। बस्टर और बैंडिट अलग हो रहे हैं। ओ नहीं, बैंडिट गिर गया है। आहा, उसके पास एक युक्ति है। वो कहाँ चला गया? थोड़ा रुको, ये डब्बा हिल रहा है। जल्दी करो ऐश, तुम उसे पकड़ सकती हो। वो स्वर्ग पर कूद रहा है। गो बस्टर! मैं सोच रही हूँ क्या बस्टर और बैंडिट बचकर निकल जाएंगे। वो सभी बहुत पास पहुंच गए हैं। वो ध्यान से। बस्टर और बैंडिट सीधे जेल में चले गए। सिपाही स्काउट और एश के लिए हुर्रे! रे ऑन देने की बारी है बस्टर। ये बहुत मजेदार था। कितना बढ़िया खेल है। अब अंत में स्काउट अपना चित्र समाप्त कर सकती है। बस्टर और बैंडिट जा सकते हैं। कितना मजेदार खेलने का समय था। गैरी बस और बस्टर पहाड़ों से होकर जा रहे हैं। ओ देखो, हिरन का एक बच्चा है। यह किससे भाग रहा है? यह ट्रैक से ट्रेन है। ओ नहीं, क्या हुआ? ट्रैक से रुक नहीं पा रहा। जल्दी करो, बस्टर और डैडी बस बचाने जा रहे हैं। ओह नहीं, वह गति पकड़ रहा है। डैडी बस ओटिस पुलिस कार को बुला रहे हैं। यह एक आपातकाल है। आह, पटरी एक जगह से बदलती है। डैडी बस ने शीघ्रता से जाकर उसे हिला दिया। हुर्रे! अच्छा किया डैडी बस। लगता है पटरी आगे दिशा बदलती है। डैडी बस और बास्टर लिवर को खींच रहे हैं पटरी की दिशा बदलने के लिए। पर ओ नहीं, डैडी पटरी से होकर जा रहा है। उनको मत लो, जल्दी से। बाल बाल बचे। अब ट्रैक्सन गोल गोल घूम रहा है। उसका सिर चकरा रहा है। ओ नहीं, ध्यान से। डैडी बिल्कुल समय पर थे। लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। उन्हें ट्रैक्सन को पहाड़ी की ओर भेजना होगा। पहाड़ी उसे धीमा कर रही है। वो रुक गया। हुर्रे! गो बस्टर! ओटिस पहुंच गया है। यहाँ तो आपातकाल नहीं लग रहा। उप्स, उन पेंट ब्रशों को देखो। आज बस्टर और उसके मित्र बस्टर के कमरे में दीवारों को रंग रहे हैं। कितना मजेदार है। मम्मी बस उनके लिए ढेरों रंग के पेंट ला रही है। वे खिड़की के नीचे की दीवार पर रंग कर सकते हैं। बस्टर को कौन सा रंग चुनना चाहिए? स्काउट ने बैंगनी चुना है।
और एश ने लाल और बस्टर पीला, क्यों नहीं, आओ रंग करें। उप्स, एश ने स्काउट की जैसा करने के लिए एक लाल रंग पोत दिया और बस्टर ने पीला रंग पोत दिया। अद्भुत। मैं सोच रही हूँ स्काउट पहले क्या पेंट करेगी। यह एक रॉकेट है। वाह, अद्भुत। बस्टर की बारी है, वो क्या पेंट करेगा। एक बम्बलबी। अलमारी पर नहीं ऐश। अब वे पेंट लड़ाई कर रहे हैं। सभी सावधानी बरतो, वह पेंट बहुत गड़बड़ कर सकता है। ओह प्रिय, वे पेंट को सभी ओर लगा रहे हैं। क्या गड़बड़ी है। ओहो, पीला रंग सारे फर्श पर फैल गया है और अब बैंगनी भी। याइक्स। मम्मी बस सोच रही है कि यह हल्ला कैसा है। यह बहुत मजेदार था। ओ, उनको पता नहीं चला कि वे गड़बड़ कर रहे थे। पर बस्टर के पास एक युक्ति है। वे ऐश की होस से इसे साफ कर सकते हैं। पानी पेंट को साफ कर रहा है। अच्छा काम ऐश। ओह नहीं, मम्मी बस आ रही है और उन्होंने अभी तक पूरी तरह साफ नहीं किया। धुलाई का समय हो गया। ऐश बस्टर पर बौछार डाल रही है। स्प्लैश। अब स्काउट की बारी है। यह बहुत मजेदार दिख रहा है। और अंत में ऐश की। सभी ने अच्छा काम किया। वाह, कमरा पूरी तरह साफ दिख रहा है। ऐश और स्काउट के घर लौटने का समय हो गया है। उप्स, खैर, पूरी तरह से। बस्टर और उसके मित्र स्कूल में है और आज उनके पास एक बहुत ही विशेष अतिथि आया है। ओ मम्मी, फायर ट्रक है। हुर्रे! वो यहाँ उन्हें ये दिखाने आई है कि एक फायर ट्रक क्या करता है। जब किसी इमारत को आग लगती है तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फायर फाइटर को बुलाना होता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर हाइड्रेंट के साथ एक होस जुड़ी होती है, पानी आग को बुझा देता है। यीपी! अब अभ्यास का समय है। उन्हें पानी की धार से कोन्स को गिराना है। ऐश की पहली बारी है। ये अच्छा किया ऐश और स्काउट। उप्स, ये बेहतर है। अच्छा किया। अब बस्टर की बारी है। वाह, ध्यान से बस्टर। बहुत अच्छा दिन था, पर अब मम्मी फायर ट्रक को काम पर जाना है। विदा मम्मी फायर ट्रक, धन्यवाद। अब दिन समाप्त हो गया है और बस्टर घर की ओर जा रहा है। विदा स्काउट, विदा ऐश। वो क्या है, ये धुआं है, ये कहां से निकल रहा है। ओ नहीं, आग लगी है। बस्टर को क्या करना चाहिए। उसे फायर फाइटर की जरूरत है। बस्टर सहायता के लिए मम्मी फायर ट्रक को बुला रहा है। टीचर ऐश का ध्यान रखेगी। गो मम्मी गो। वो रही आग। आहा, और वो रहा वाटर हाइड्रेंट। अब उसको जोड़ना है। हाँ,
नहीं, जल्दी। फियो, आग बुझ गई। यिप्पी। मिलकर कितना बढ़िया काम किया। अब स्कूल का अगला दिन है। टीचर बास्टर को आगे बुला रही है। किसके लिए? देखो, मम्मी फायर ट्रक। वो यहाँ बास्टर की सहायता के लिए धन्यवाद कहने आई है और उसे एक विशेष फायर ट्रक हैट से सम्मानित करने। गो बास्टर! ini hari cerah yang menyenangkan. Buster dan Cozy Coop pergi ke pantai. Mereka bermain bola voli. Dan lihat, Sham si hiu ingin bermain juga. Cozy melempar bolanya ke Sham. Astaga, bola itu meletus di gigi Sham. Ups, tetapi apa ini? Apa itu peta harta karun? Wow, ada harta karun terpendam. Dan itu terkubur di pulau terpencil itu. Tetapi bagaimana mereka akan menyeberangi laut? Buster tampaknya punya ide. Wow, Buster telah membangun lereng dari pasir. Wush. Oh tidak. Lompatan Buster kurang jauh. Sepertinya mereka harus mencoba cara lain. Apa yang dilihat Cozy? Daun teratai raksasa. Mungkin mereka bisa menaikinya. Uh-oh, Cozy akan berhenti. Cozy mencoba mengayuh, tetapi mereka hanya berputar-putar. Untung saja, Sham bisa mendorong mereka kembali ke pantai. Terima kasih, Sham. Tetapi mereka tetap jauh dari pulau itu. Tunggu, apa ini? Sham punya rakit. Sekarang mereka bisa menyeberangi laut dengan cepat. Mereka tiba di pulau itu. Sekarang saatnya berburu harta karun. X penanda lokasinya. Apa X ini harta karun terpendam? Tidak, itu hanya ranting. Apa X ini harta karunnya? Tidak, itu hanya rumput laut. Bagaimana dengan X ini? Hore! Itu peti harta karunnya. Bagus, Cozy. Lihat semua harta karun berkilau itu. Dan lihat, bola emas. Sekarang mereka bisa bermain kejar-kejaran lagi. Kerja bagus semuanya. Dekho, Scout bo rahi. Aur wo raha Buster. Mujhe lagta hai wah tag khel rahe hain. Buster ne kya dekh liya? Oh, wah! Ek bhul-bhulaiya. Scout andar ja rahi hai. जाओ बस्टर, उसे ढूंढने का प्रयास करो। मैं सोच रही हूँ स्काउट के सो गई होगी। वो रही। वो जाते हैं भूल भुलैया में राह बनाते हुए। बस्टर को अब कौन सी राह पर जाना चाहिए? इस ओर। ओ देखो, एक पीला फूल। कितना अच्छा। थोड़ा और मोड़। अब किस ओर जाना है? इस ओर। थोड़ा ठहरो, यह तो वही फूल है। बस्टर चक्रों में घूम रहा है। यदि वो पीछे जाए तो वो अपनी राह ढूंढ सकता है। स्काउट वो रही, वह भी खोई हुई लग रही है। वाह, बस्टर और स्काउट ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ, पर अब उनको बाहर जाने की राह ढूंढनी होगी। स्काउट बस्टर की छत पर खड़ी है। शायद वो बाहर की राह देख सके। वो रही। अच्छा किया स्काउट। वो बाहर जाने वाली राह की ओर तेजी से जा रहे हैं। यह कौन सी राह है? ओह प्यारे, वह अब भी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। देखो टायर के चिन्ह, वो इनके पीछे पीछे बाहर तक जा सकते हैं। अच्छी सोच बस्टर। वो रहा वही फूल। थोड़ा और आगे और हुरे, वो बाहर आ गए हैं। साथ मिलकर अच्छा काम किया दोनों ने। देखो यह रीटा स्पोर्ट्स कार है, वह भूल भुलैया में तेजी से जा रही है। ओ अच्छा, मुझे लगता है बस्टर स्काउट उसकी बाहर आने में सहायता करेंगे। देखो बस्टर बस स्काउट कार सॉकर खेल रहे हैं। बस्टर मारता है गोल। अच्छा किया बस्टर, बहुत अच्छा काम। वाह, यह सॉकर बस है। वह बड़ी बस सॉकर टीम के लिए खेलता है।
वो चाहता है कि बस्टर टीम के लिए यत्न करने के लिए आए, पर नहीं, बस्टर तो बहुत शर्मीला है। स्काउट से प्रोत्साहित करती है और बस्टर कहता है ठीक है, वह कल एक बड़ी गेम के लिए आएगा। स्काउट को अपने मित्र पर बहुत गर्व है, बस्टर अभी भी घबराया हुआ है। उस रात बस्टर शांति से अपने गैरेज में सोया हुआ है। बस्टर सपना देखता है कि वह बस सॉकर टीम में खेल रहा है। गेम चालू होता है, पर ओ प्रिय, बसें बहुत ही कठोरता से खेलती है। अब बस्टर की बारी है गोल में। वह उसे बचाने का यत्न करता है, पर ओ प्रिय, सॉकर बस बहुत प्रभावित नहीं दिख रहा है। बेचारा बस्टर, उसने बहुत यत्न किया। यह मात्र एक बुरा सपना था, पर अब बस्टर टीम के लिए यत्न करने में और भी घबरा रहा है। पर स्काउट उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना भरसक यत्न करती है। बस्टर इसे कर सकता है, उसे उस पर भरोसा है। अब बड़ी गेम का समय है। रॉबिन अपनी सीटी बजाता है और गेम शुरू हो जाती है। ओ नहीं, लाल बस को चोट लग गई, वह और नहीं खेल सकेगी। बस्टर को आना होगा। चलो बस्टर, तुम कर सकते हो। बस्टर गेंद को किक मारता है और गेम चल पड़ती है। बस्टर अब गोल में जा रहा है। नीली बस एक शॉट लेती है और बस्टर इसे बचा लेता है। अच्छा किया बस्टर, तुमने बहुत अच्छा किया। हुर्रे, यह कितना मजेदार था। देखो वह बस्टर बस है, पर वो ये सच में नींद में लग रहा है। यह सड़क से उतर रहा है। ओ नहीं, बस्टर एक कीचड़ के पोखर में चला गया और अब वह फंस गया है। बेचारा बस्टर, अब वह कैसे निकलेगा? अगली सुबह स्काउट बस्टर के गैराज में आती है, पर ओ प्रिया, बस्टर तो कहीं भी दिख नहीं रहा। वह कहाँ है? पर देखो कीचड़ के चिन्ह। स्काउट उनके पीछे चली यह देखने के लिए कि बस्टर कहाँ है। वो रहा डिगली डिगर। स्काउट से बताती है कि बस्टर गुम है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। स्काउट और डिगली मिलकर ढूंढते हैं। देखो मिठाई की एक पंक्ति, यह कहाँ जा रही होगी? वो क्या था? ओह फ्यू, ये तो रॉबिन है। स्काउट उसे बताती है कि बस्टर गुम है और रॉबिन भी ढूंढने के लिए मान जाता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। स्काउट, डिगली और रॉबिन गांव की ओर जाते हैं। स्काउट पेड़ों के पीछे देखती है, डिगली चट्टानों के पास देखता है और रॉबिन ने क्या देखा? कुछ और टायरों के चिन्ह। देखो वो रहा बस्टर। वह अभी भी कीचड़ में फंसा है। वह बहुत देर से यही है। रॉबिन, डिगली और स्काउट को बताने जाता है कि उसने बस्टर को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी के उस पार है। वो रहा बेचारा बस्टर। डिगली और स्काउट सहायता कर सकते हैं, मिलकर काम करते हैं। डिगली और स्काउट बस्टर को कीचड़ के पोखर से बाहर खींचते हैं। ये लो, अब अंत में बस्टर छूट गया है। वो अपने मित्रों के प्रति उसे बचाने के लिए बहुत आभारी है। अब वह सुरक्षित अपने गैराज में वापस आ गया है। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, घर को सजाने के लिए हमें चाहिए एक पेठा। बहुत है तरीके खेत में, बहुत है तरीके खेत में, बस्टर ने सबसे बड़ा उठाया दादाजी के साथ। अब हम चेहरा बनाए, अब हम चेहरा उछले दूर दूर।
बस्टर और उसके मित्र हैलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हैं। बस्टर की टोपी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। हाँ? दादाजी बस्टर को याद दिलाते हैं कि उसे एकदम से ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अब बस्टर अपने कमरे में है, पर अब कोई नहीं देख रहा। वो जितनी हो सके मिठाइयाँ खा रहा है। इससे सच में दर्द हुआ। ओह नहीं, बस्टर का दांत हिलने लगा। यह तो बहुत चिंता की बात है। मम्मी बस्टर को लेने आई है। रात्रि भोज का समय है, पर वह अपना हिलता दांत छिपा रहा है। मुझे नहीं लगता वो चाहता है किसी को पता चले। खाना तैयार है, ढेर सारी स्वादिष्ट सब्जियाँ। पर बस्टर खाना नहीं चाहता। मम्मी को पता चल गया कि बस्टर को कुछ तंग कर रहा है। वो उन्हें अपना हिलता दांत दिखा रहा है। दादाजी को पता है क्या करना है। वो बस्टर को उस मीठे मक्के की एक गिरई लेने को कहते हैं। देखो, बस्टर का दांत गिर गया है। यह इतना बुरा नहीं था। बस्टर को अब ठीक लग रहा है। अब सोने का समय है। मम्मी बस्टर के दांत को उसके तकिए के नीचे रखने को कहती है। जब वह सो रहा होगा, दांत परी इसे लेने आएगी। बस्टर अगली सुबह उठता है और वो एक बड़ा सुनहरा तारा। बस्टर उसे बड़े चाव से पहनेगा। अब उसे पता है हिलते दांत के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। नई चमकीली सुबह है और बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। आज डिगली का जन्मदिन है। बस्टर पार्टी में जाने के लिए बेचैन है। बस्टर जितनी जल्दी हो सके नाश्ता करता है। देखो, स्काउट आई है। वह डिगली के लिए तोहफा तैयार करके और लपेट कर लाई है। कितना मजेदार है। ओ नहीं, बस्टर गलती से तोहफे के ऊपर से निकल गया। वह रोटी की तरह सपाट हो गया है। बेचारा बस्टर, यह मात्र एक दुर्घटना थी। पर रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। देखो, स्काउट वह पुराने गत्ते का डिब्बा उठा रही है और बस्टर मिठाई का वो कटोरा उठा रहा है। एक लकड़ी की डंडी भी है और कला और कृति का डब्बा भी। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यह एक और तोहफा है। पर भीतर क्या हो सकता है। अब बस्टर और स्काउट डिगली की पार्टी के लिए दौड़ रहे हैं। उनको देरी हो गई है। डिगली प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी पार्टी पहले ही शुरू हो गई है। पर फिर वो रहे स्काउट और बस्टर, वो पहुंच गए हैं। डिगली अपना तोहफा खोल रहा है और वो यह एक पिनाटा है। डिगली का जन्मदिन है, इसलिए वह डंडी से मार सकता है। वो चला। एक और स्मैक। उन सब मिठाइयों को देखो, कितना अद्भुत जन्मदिन तोहफा। यह बस्टर है। उठने का समय हो गया। यह एक चमकीला नया दिन है। देखो,
मम्मी ने बस्टर का नाश्ता बना भी लिया। टोस्ट पर जैम, बस्टर का पसंदीदा। आउच! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओ नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है। पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी, अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं। साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए कहानी पढ़ती हैं। ओ शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। देखो, बस्टर आज स्कूल जल्दी आ गया है। बोल रहे स्काउट और डिगली। बस्टर थोड़े तेल पर फिसल गया। ओ प्रिय, ब्लैक बोर्ड टूट गया है। स्काउट भी फिसल गया। ओ नहीं, दीवार की घड़ी भी टूट गई। क्या झमेला है। और ये आ रही है अध्यापिका जी। उनको जल्दी से सब कुछ साफ करना होगा। पर बोर्ड स्काउट के लिए बहुत भारी है और डिगली अक्षरों को नहीं उठा सकता। बस्टर दीवार की घड़ी ठीक करने का यत्न करता है, पर बहुत सारे टुकड़े हैं। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वे काम को बदल सकते हैं। स्काउट सारे अक्षरों को एकत्रित कर सकते हैं, तब डिगली और बस्टर मिलकर ब्लैक बोर्ड को उठा सकते हैं। स्काउट को एबीसी आती है, वो अक्षरों को पुनः लगा सकती है। अब दीवार की घड़ी के लिए डिगली उसे ठीक कर सकता है। उसे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है। लो, हो गया बिल्कुल समय पर। ये रही अध्यापिका जी। सब कुछ सामान्य लग रहा है। उस अक्षर को छोड़कर और समय भी ठीक नहीं। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 बिल्कुल नई जैसी। चमकीला नया दिन है। ओ देखो, ये डिगली और सीजे हैं। वे सीजे के मिक्सर को पानी से भर रहे हैं। ये दोनों क्या करने वाले हैं? देखो, वो रहे बस्टर स्काउट। फ्यू, कितना गर्मी भरा दिन है। मैं सोच रही हूँ वो ठंडा होने के लिए क्या कर सकते हैं। वो डिगली और सीजे रंगीन पानी के गुब्बारे बना रहे हैं। लगता है बस्टर स्काउट को एक युक्ति सूझी। गुब्बारों की लड़ाई, रेडी स्टेडी और वो चले। बस्टर स्काउट क्या योजना बना रहे हैं? ओ देखो, डिगली और सीजे उनके पीछे से आ रहे हैं। और स्प्लैश। ओहो, स्काउट को लग गई है। और ये लगा निशाना। अब ये मजेदार हो रहा है। पर झाड़ियों में कौन छिप रहा है? यह स्काउट है। पर वह समय पर छिप गई। अच्छा किया स्काउट। यह सीजे का दूसरा अवसर है। पर देखो, बड़ा बस्टर, वह पीछे से सीजे को भिगो देता है। जल्दी बस्टर।
नहीं, सीजे और डिग्डी ने बास्टर और स्काउट को घेर लिया है। अब वो क्या करेंगे? आह, एक छाता। मुझे लगता है बास्टर के पास एक योजना है। सीजे और डिग्डी निशाना साधते हैं, पर बास्टर छाते के कारण सूखा है। बहुत अच्छी युक्ति बास्टर। डिग्डी और सीजे पुनः भर रहे हैं। वो उस गुब्बारे का आकार तो देखो, वो बहुत बड़ा स्प्लैश करेगा। लगता है बास्टर मुसीबत में है। वाह, अच्छा शॉट बास्टर, यह बहुत ही मजेदार था। बास्टर और डिग्डी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। व्रूम व्रूम, इसे जाते देखो। देखो वो रही मम्मी, वो उनको बताने आई है कि लंच तैयार है। और बास्टर को याद दिला रही है कि अपने खिलौने संभाल कर रखते। बास्टर कंट्रोलर को रख रहा है, पर देखो कार अभी भी बाहर है। अब बास्टर और डिग्डी खेलने के लिए वापस आ गए हैं, पर ओ नहीं, उनको खिलौना कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? क्या यह खिलौनों के डिब्बे में हो सकती है? नहीं, हो सकता है बिन में हो। नहीं, हो सकता है झड़े पत्तों के नीचे हो। यह यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मास्टर के पास एक योजना है। यदि वो कार का कंट्रोल उपयोग करे, सुनो, कार का इंजन है। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्तों के उस ढेर के नीचे से। हुरे! उनको खिलौना कार मिल गई। पर रुको, अब कंट्रोलर नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? ओ, ये रहा। बढ़िया ढूंढा बास्टर। अब डिग्डी और बास्टर अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हुए फिर से मजा कर सकते हैं। पर इस बार उन्हें अपने खिलौनों को खिलौने के डिब्बे में डालना याद रखना होगा जब वो बंद करना चाहें। अच्छा किया। वो रहे बास्टर और स्काउट। वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। और कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है। पर ओ प्रिय, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए, और यह बहुत साफ नहीं है, और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेचारा बस्टर। वो, उसे तो बुखार है। उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है। बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बास्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बास्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है। वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है। वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो। अब बस्टर और स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार हैं। वे बहुत खुश हैं कि वे दोबारा ठीक हो गए। आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिग्डी। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश,
मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है, उसे और ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। वो रही एक मम्मी बतख, वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है, पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रही टीचर भी। ओ नहीं, फिउ, डिगली और बस्टर के कारण बतख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। ओ, वो बतख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बतखें सड़क पर वापस आ रही हैं। बस्टर और डिगली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। एक मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यह एक बतखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बतख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। बोल रहे टीचर फिर से, वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। यह एक नया बर्फीला दिन है और बस्टर बाहर जाकर खेलने के लिए बेचैन है। बर्फ में खेलना बहुत मजेदार है और सबसे बढ़िया खेल है स्नोबॉल फाइट। डिगली और स्काउट की एक टीम है, पर बस्टर को एक साथी की आवश्यकता है। देखो, वो रहा बैंडिट। वो बस्टर की टीम में आ सकता है, भले ही बस्टर और बैंडिट की सदा पटती नहीं हो। स्नोबॉल्स फेंकने का समय। बस्टर और बैंडिट उस चोटी के पीछे छिपे हैं। बस्टर को लगता है उन्हें इस ओर जाना चाहिए, पर बैंडिट को लगता है कि उन्हें उस ओर जाना चाहिए। ओ प्रिया, वो सहमत नहीं हो रहे। वो एक टीम की भांति काम नहीं कर रहे। बस्टर वृक्ष के पीछे से आ रहा है, पर स्काउट ने उसे देख लिया। ध्यान से। ओ प्रिया, बैंडिट चार दीवारी के पीछे से आने का यत्न कर रहा है। बस्टर और बैंडिट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पर देखो, स्काउट और डिगली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस हो गया। यदि बस्टर और बैंडिट जीतना चाहते हैं, तो उनको एक टीम की भांति साथ में काम करना होगा। वो चले, ऐसा ही करना चाहिए। अब यह वास्तव में एक स्नोबॉल लड़ाई लग रही है। टीम वर्क के साथ यह बेहतर है। वो स्नोबॉल किसने फेंकी? दादाजी। ठीक है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना अधिक मजा आएगा। देखो, वो रहे बस्टर, मम्मी और दादाजी। मैं सोच रही हूँ कि वो बर्फीले दिन में कहाँ जा रहे हैं। ओ वाह, ये एक क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हैं। कितने सारे वृक्ष, कौन सा लें? ये क्या है? बस्टर वहाँ पर सबसे बड़ा ट्री चाहता है। वह सच में ऊंचा है। अब इसे घर ले जाना है। मम्मी ट्री को अपने ट्रेलर में ले जा रही है। फ्यू, भारी लगता है। रुको, ओ नहीं, ट्री तो आगे के दरवाजे के लिए बहुत बड़ा है। पर रुको, दादाजी के पास एक सुझाव है। अब वे उसे रैंप पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। पर अब मम्मी के पास एक अच्छा सुझाव है। यह चिमनी में भी नहीं आ रहा। पर दादाजी के पास एक सुझाव है। 3, 2, 1, चलो। ओह प्रिया, यह अब भी नहीं आ रहा। यह बहुत ही बड़ा है। देखो, ये स्काउट है। वो भी अपने लिए क्रिसमस ट्री लेने जा रही है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ वो क्या सोच रहा है। दादाजी अपनी आरी का उपयोग कर रहे हैं। वो उन्होंने बड़े ट्री को 2 में काट दिया। स्काउट आधा ले सकती है और बाकी का आधा आगे वाले दरवाजे में आ जाएगा। हुरे! ये लो, यह क्रिसमस ट्री घर के लिए बिल्कुल ठीक आकार का है। ओह वो, क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है। वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। ओह, बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर। वो रही स्काउट। अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओ बढ़िया, वो कुछ जंगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओ प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुरे, स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। ओ, पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संगाते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मेरी क्रिसमस। ओह, अच्छा किया बस्टर और मम्मी। वो सुंदर था।